सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के आरोप में इन दो शूटरों की तलाश हो रही है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम है। एक है हरियाणा के महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी। नितिन आर्मी में है और उसकी पोस्टिंग अलवर में है। वो 2 दिन की छुट्टी पर आया और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। अपराध की दुनिया में उसका ये पहला कदम है और पहली वारदात। उसके इस कारनामे से हर कोई हैरान है। हमारे सामने वो पैदा हुआ, हमारे सामने इतना बड़ा हुआ, बहुत ही अच्छा लड़का था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। नेचर बहुत ही अच्छा था सर, ऐसा कोई वो नहीं था कि जहाँ उसको वो सुनना पड़े और कुछ सुनना पड़े। हमारे साथ रहा, यानी 12वीं लगा हम साथ थे। उसके बाद उसने आर्मी की तैयारी कर दी थी, हम कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। दूसरा शूटर है नागौर का रोहित राठौर। रोहित को भी इस वारदात के पहले कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि रोहित और नितिन फौजी भी इससे पहले कभी नहीं मिले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि नितिन आर्मी से छुट्टी लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने आया और एक छोटा सा अपराधी रोहित राठौर नितिन के साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गया। उत्तर भारत में लॉरेंस गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर बताए जाते हैं। सोशल मीडिया पर उसे हजारों लोग फॉलो करते हैं। लॉरेंस विश्नोई गैंग हर बार बड़ी वारदात के लिए नए शूटरों की भर्ती करता है। शूटर भर्ती करने का लॉरेंस गैंग का खास तरीका है। ऐसे शूटरों की भर्ती की जाती है जिनका आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, निशाना सटीक हो, नाबालिग हो या उम्र कम हो, गैंग से प्रभावित हो और गैंग को सोशल मीडिया पर फॉलो करता हो। लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा गोल्डी ब्रार एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह गैंग चलाते हैं। अपने खास गुर्गों से ये सिग्नल या दूसरे एप्स पर बात करते हैं। फिर ये गुर्गे अलग अलग राज्यों और शहरों में अपने रिक्रूटर से बात करते हैं। रिक्रूटर शूटरों की भर्ती करते हैं। शूटरों को कार और हथियार मुहैया कराने के लिए अलग टीम होती है। वारदात के बाद कहाँ छिपना है ये पहले से तय होता है। वारदात के लिए रेकी करने वाले अलग होते हैं और एक लीगल टीम भी होती है जो मुश्किल वक्त में कानूनी मदद मुहैया कराती है। खास बात यह है कि एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोगों को जानते तक नहीं, यहाँ तक कि शूटरों को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता। सब कुछ हैंडलर तय करते हैं। ये हैंडलर या तो विदेश में है या जेल में, इसलिए उन पर कोई आंच नहीं आती। फंसते वो लोग हैं जो इनके लिए ग्राउंड पर काम करते हैं और ये काम किया जाता है पैसे के लिए, शौक के लिए या फिर अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए। क्योंकि अपराध की दुनिया में एंट्री करने वाला हर शख्स या तो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ना चाहता है। नई दिल्ली से कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।